कुछ दिन और कालिंदी, बस कुछ दिन और। कुछ दिन बाद ये लाल चांद, वो नक्षत्र, वो दिन, वो पहर फिर आएगा। वो पहर जिसके लिए तेरे पापा ने इतने सालों यहाँ रह के जो कुर्बानी दी, उसका फल मिल जाएगा। माँ काली ने तुझे मुझे जिंदा रखा है तो उस मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए तू पैदा हुई है, वो दिन आ रहा है कालिंदी, वो दिन आ रहा है। सिन, तुम बोलो ना सबको कि कल मैंने क्या देखा, तुमने क्या देखा उस जंगल में, वो डरावना राक्षस। कौन सा राक्षस? सिर्फ वही जो हमने देखा था, उसने तुम्हें हवा में उठा दिया था, फेंक दिया था, तुम जोर से दर्द में चीखे भी थे। जहाँ तक मुझे याद है, तुम पार्टी से बाहर जा रही थी और मैं बाहर गेट पे खड़ा था, तो मैं सोचा कि तुम्हारे पीछे जाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से एक इल्जाम लगा था ना मुझ पे, और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तुम रात को अकेले जंगल में वरदान जी के साथ थी। आओ अंगदा, बहुत टेंशन हो रही थी ना तुम्हें उमा की, अपनी जान पर खेलकर तुम जंगल से घर वापस ले आए उसे, लेकिन वो तो किसी और जान के साथ आधी रात को जंगल में डेट करने गई थी। सबको बता कि वरदान जी के साथ तू क्या करने गई थी जंगल में। अंगद, मैं थैंक गॉड मैं भी पार्टीज करती हूँ, गेट टुगेदर्स करती हूँ, सब करती हूँ, पर मैं एटलीस्ट इसकी तरह तो नहीं हूँ बीच रात में जंगल में किसी अनजान आदमी के साथ। उमा, तुम चुप क्यों हो? बताओ सबको कि सच क्या है, बताओ सबको कि हम दोनों जंगल में क्या कर रहे थे। हाँ, ये सच है कि हम दोनों जंगल में साथ में थे, पर ये बात भी सच है कि कल रात उमा पर एक खतरनाक भेड़िए ने हमला किया। पूरा अंबाला जानता है कि इस जंगल में एक खतरनाक जानवर रहता है, एक राक्षस रहता है। ये जानने के बावजूद तुम लोगों ने इस मासूम लड़की पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। वरदान जी, राक्षस है या नहीं है, है भी तो जंगल में है ना, लेकिन एक लड़की एक अनजान इंसान के साथ जंगल में क्यों गई थी? माँ, तुझे मैंने अपनी बेटी की तरह पाला। बस, अब उमा के खिलाफ एक और लफ्ज नहीं। क्यों जी, मेरे लफ्ज आपको तकलीफ दे रहे हैं? क्योंकि उमा की तकलीफ में मुझे मेरी तकलीफ नजर आती है। क्यों, लगते क्या आप उसके? अभी तक तो कुछ नहीं लगता, पर लगना चाहता हूँ। देख रहा हूँ कि इस घर में इस लड़की के साथ कितनी बेइज्जती हो रही है, तो सोच रहा हूँ इसे अपने घर की इज्जत बना लो। शादी कर लो इससे।